मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बाबा रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी में दो युवकों के गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूसे चले। विवाद के दौरान एक युवक को गले में चाकू मार दिया गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महुनाका का है, जहां बाबा रणजीत हनुमान की भव्य सवारी निकल रही थी। उसमें शुभम रघुवंशी अपने दोस्तों के साथ प्रभात फेरी में शामिल होने गया था, तभी वहां दूसरे गुट के युवकों से धक्का लगाने को लेकर विवाद हो गया, जहां दोनों गुटों में जमकर लात घूसे चले। विवाद के वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। विवाद के दौरान शुभम को युवक ने गले पर चाकू मार दिया, जिससे उसका गला कट गया। उसके साथ ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुभम बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और गोमा की फेल का रहने वाला था। अन्नपूर्णा पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दो युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उन्हें इस पूरे मामले में एडिशनल DCP अभिनव विश्वकर्मा ने क्या बताया। आज दिनांक को रंजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी निकलती है। उस दौरान काफी ज्यादा भीड़ एकत्रित थी जो रैली में सम्मिलित थी। उस दौरान दो पक्षों के बीच में धक्का मुक्की को लेकर के मऊ रोड मऊनाका के पास में विवाद हुआ। विवाद में इन दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई है और उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो पीड़ित पक्ष है उसको गले में चाकू मारा गया था। चाकू मारने के बाद तुरंत ही वहाँ पीछे एम्बुलेंस चल रही थी रैली के साथ में, उसमें जो पीड़ित था उसको बिठाया गया और तुरंत अस्पताल लेके जाया गया। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उसको MY हॉस्पिटल लेके आया गया है। अभी घटनास्थल के आसपास के जो कैमरेज हैं उनको और आसपास जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करके कुछ फुटेज निकाले जा रहे हैं और दो संदेहियों को बिठाया गया, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसमें घटना किसके द्वारा करी गई है और कौन कौन शामिल थे, इसकी जल्दी से जल्दी तस्दीक करके इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया। और भी घायल हुए इसमें मोबाइल पर? इसमें अभी अन्य किसी घायल की सूचना तो नहीं आई है। इसमें लगातार तस्दीक जारी है, जो जानकारियां आती जा रही है उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों तक? कुछ फुटेज जो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि 4 से 5 लोग हैं जो कि इस पक्ष के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी की जा रही है। सर क्या वजह, मतलब मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? मुख्य वजह पीड़ित पक्ष से बात करने के बाद ये सामने आई है कि भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ और मारपीट हुई, उसके बाद झगड़ा हुआ। सर क्या ये कौन था मृतक, क्या करता था कुछ? मृतक का नाम शुभम रघुवंशी है, जो कि गोमा की फेल का रहने वाला है और बाकी इसकी जानकारी और निकाल रहे हैं। सर एक दो आरोपी चंदनगर में गिरफ्तार हुए हैं पुलिस लूट वाले मामले में, सर समीर और वो। चंदनगर में कुछ दिनों पूर्व जो 14 लाख की लूट का मामला पंजीबद्ध किया गया था, उसमें जिसके द्वारा सूचना दी गई थी शरीफ और समीर मंसूरी, इन दोनों को गिरफ्तारी की गई है और इनसे अभी तक कुल जो लूटा हुआ मशरूका है टोटल 7,80,000 का मशरूका जब्त किया जा चुका है, जिसमें 2,90,000 की कार भी शामिल है और बाकी अन्य जो पैसा था वो उसको हेरफेर किया गया, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी कौन गिरफ्तार हुआ था? शरीफ और समीर मंसूरी गिरफ्तार। दोनों भाई हैं? दोनों भाई। इनका क्या रोल था इस घटना में? ये सूचना इनके द्वारा दी गई थी।